बच्चों, आज हम लोग चित्रकला में पढ़ते हैं आलेखन। जैसा कि आप बताया जा चुका आलेखन या डिजाइन क्या होती है। आलेखन जब किसी वस्तु को आकर्षित बनाने के लिए उसे सुसज्जित करते हैं तो उसी को हम लोग आलेखन कहते हैं। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं आज। तो ये ऐसा चित्र आलेखन में होता है कि उसको आप नेचुरल होता है कि प्राकृतिक दृश्यों से संबंधित होता है, दूसरा होता है अलंकारिक होता है, और तीसरा कंपोजिट होता है जिसमें आकर्षक और इस प्राकृतिक और अलंकारिक दोनों का मिक्सचर होता है। तो उसमें ये नहीं होता है जैसे प्राकृतिक है तो उसमें केवल आप जो प्रकृति से जुड़ा हुआ वही चीजें हैं, उसको अलंकारिक बनाने के लिए हम लोग कुछ और चीजें, उससे असंबंध चीजें भी जोड़ लेते हैं, तो वो हमारी होती है मिश्रित आलेखन होता है भाई। उसी क्रम में हम लोग बनाते हैं। देखिए, कमल का फूल बनाते हैं, उसके साथ साथ में और चीज हम ऐड करते हैं, उसको थोड़ा कितने कलात्मक ढंग से बना करके उसको आप लोग कलर करेंगे, और कहाँ डार्क होना चाहिए, कहाँ सेड होना चाहिए, कहाँ कैसी लाइनिंग होनी चाहिए, तो आप लोग अच्छे से इसको अपने आर्ट कॉपी में करेंगे। तो देखिए, हम लोग प्रयास करते हैं आज आलेखन बनाने का। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ये हिस्सा लाते हैं, ये हो गया। इसके बाद यहाँ से लेते हैं इसको, ये ले लिए, साइड से यहाँ भी इस एरिया को ले लिए, यह हो गया। यहाँ पर आग मिलाते हैं। इसके बाद ये चाहिए स्पेस कम पड़ रहा है, इसको मिटा देते हैं। आप लोग बता दिए हैं कि आलेखन है ये। यहाँ पर देखिए, अब इसको थोड़ा से यहाँ से ऊपर से लेते हैं, यूं ला करके यहाँ मिला देंगे, और इसको भी यहाँ से ला करके यूं कर देंगे। अब यहाँ साइड से भी यहाँ से ला कर करते हैं इसको। ये हमारा जो है, देखिए, ये कमल का फूल काफी बनने के नजदीक आ चुका है, क्योंकि स्पेस कम है तो हम लोग करते हैं। आप और अच्छा इसको करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पर एक लाइन खींचते हैं, देखिए इसमें होती हैं ये छोटी छोटी लाइनें होती हैं, इसमें जानते हैं कि इसका बनता है वो। ये बन गया आपका। इसको हम लोग थोड़ा सा और डेकोरेट कर लेते हैं, सजा लेते हैं। ये देखिए, कमल का फूल बन गया। अब इसके साइड में हम देखिए इसके पत्तियां बनाते हैं, पत्तियों को थोड़ा सा मॉडर्न रूप देते हैं। कैसे देते हैं देखिए, सपोज दैट, चलिए यहाँ पर एक इसे हम मिश्रित बना रहे हैं तो नेचुरल के अतिरिक्त भी कुछ में अतिरिक्त देते हैं। देखिए, हम लोग एक बना लेते हैं, ये चलिए फिश बना देते हैं, मछली बनाते हैं, मछली बना करके उसको जो कैसे अलंकारित करते हैं। ये हमारी फिश हो गई, ये फिश ये बन गई। इसको हम लोग डबल भी कर सकते हैं, ये हो गई। ये इसका मुंह है फिश का, ये इसकी आंख हो गई, ये आंख हो गई, और इसके आसपास हम लोग देखिए थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे, ये हो गई। इसके यहाँ थोड़े से ये पंख होते हैं, ये पंख हो गए, थोड़ा सा मुंह इसका हल्का सा मैच नहीं कर रहा है, ये हमारी फिश बन गई। अब फिश को देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग जगह जगह डेकोरेट करते हैं, इसकी लाइनिंग बना लेते हैं, इसमें नेचुरलिटी से थोड़ा सा अलग करके हो जाती है ये। ऐसे हम लोग अभी देखिए, चलिए इसको थोड़ा सा सजा देते हैं, ये हो गई। ये थोड़ा सा डार्क कर दे रहे हैं जिससे आपको दिखाई दे, देखिए इसको डबल कर देता हूँ इस लाइन को, इससे विजिबल हो जाए। आप लोग अपने आर्ट की जो कॉपी बनाएंगे बहुत सुंदर बनाने की कोशिश करिए, इससे भी अच्छा बनाइए आप लोग।
अब देखिए यहाँ पर इसके ये सपोज दैट ये डंठल आ गई। अब ये हम लोग इसको थोड़ा सा और इसमें देखिए यहाँ साइड से ये ले आए, यहां से ला करके इसको हम लोग यूं रोप दे सकते हैं। ये हो गया और इसको यूं ले जा करके देखिए थोड़ा सा हल्की सी डिजाइन बनाएंगे इसको, यूं कर दिए आप, स्पेस को देखते हुए बनाना पड़ता है इसको। यो आ गया। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा और हम लोग इसके लिए कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और यहां से ये भी कर सकते हैं देखिए। और यहां पर ये थोड़ा सा यहां से एक कली भी बना सकते हैं, देखिए कली भी हमारी बन जाएगी यहां से। कली बन गई, ये कली बनकर तैयार हो रही हमारी, ये कली बन गई। इसके अलावा यहां भी हम लोग इसको एक रूप दे सकते हैं, देखिए ये आ गया। और इसको हम लोग डबल भी कर लेंगे, ये देखिए डबल हो गया, ये यहाँ डंठल से जुड़ा हुआ है, इसको एक हम लोग ये रूप दे सकते हैं थोड़ा सा स्पेस भरने के लिए ये, और इधर भी दे सकते हैं। ये जब कलर करेंगे तो थोड़ा खूबसूरती आएगी इसमें। और इसके देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम डेकोरेट कर सकते हैं इसको, ये थोड़ा सा यहाँ बना लेंगे। अब इधर साइड में भी हम लोग पत्ती बना सकते हैं, देखिए यहाँ से ये स्पेस ला करके ये हम लोग यहाँ से इसको ला करके यहाँ भी डेकोरेट कर सकते हैं। अब देखिए इस आकृति को हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं, ये आ गया, ये आपका यहाँ से फोल्ड होगा और ये यहाँ से आकर के ये बन गया, ये बन गया। अब देखिए यहाँ भी हम लोग इसको बीच में थोड़ा सा रूप दे सकते हैं, ये कर लिए। और यहाँ से भी इसको छोटा सा बना सकते हैं, एक कली बना सकते हैं क्योंकि स्पेस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ एक कली बना देते हैं, ये हमारी कली बन गई, ये स्पेस कवर हो गया। अब देखिए इसको यहाँ से एक ब्रांच भी निकाल सकते हैं, ये देखो यहाँ भी कली एक बना सकते हैं यहाँ से जोड़ करके, ये हमारी कली बन गई। ये कली हो गई, इसको अब खिली भी बना सकते हैं, ये कली भी इधर इसको हम लोग इसमें एडिशनल करते जाएंगे। ये देखिए ये हमारा आलेखन तैयार हो गया है। अब इसको आप लोग कलर करेंगे, जैसे ये जहां पर ये देखो ग्रीन, ये ग्रीन होगा लेकिन कलियां रेड कलर की होंगी, ये भी हमारा रेड कलर का होगा। इसमें जगह जगह थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे, ये हल्के हल्के से शेड बना लेंगे किसी लाइट कलर से, जैसे येलो वो है तो येलो कलर से बना लेंगे हल्का हल्का, तो ये देखने में थोड़ा सा और खूबसूरत लगेगा। अभी तो ये देखिए थोड़ा सा और खूबसूरती आ जाएगी इसमें येलो टाइप का शेड करना, जब आप लोग कलर करेंगे तो थोड़ा सा अच्छा करेंगे। ये देखिए हमारा जो है ये कमल के फूल के आधार पर लेखन तैयार हो गया है, तो आप लोग भी इससे अच्छा बनाने की कोशिश करिए। मैं तो अभी रफली बनाया हूँ, जल्दी जल्दी देखिए आप लोगों के सामने, अब इतने कम समय में इसको बना करके तैयार करना। आप लोग हार्ड कॉपी में बड़े अच्छे से बनाएं क्योंकि ये आलेखन आपका 40 नंबर का
या 50 नंबर का इसी परीक्षा में भी आता है, तो आप पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये आलेखन आप अच्छा बना सकते हैं। देखिए आपका तैयार हो गया ये आलेखन, ये तो इसको आप और बढ़िया से डेकोरेट करेंगे। चलिए यहाँ भी एक दे सकते, चलिए स्पेस नहीं है, नहीं तो यहाँ भी कली बन सकती है, एक कली यहाँ भी निकाल सकते हैं। ये कली देखो ये बन गई, यहाँ भी कलियां दे सकते हैं, तो हमारा पूरा स्पेस कवर हो जाता है, स्पेस कवर कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, कहीं से भी उसको मैनेज करने की बात है कि हम लोग कितना दिमाग लगाते हैं उसके लिए। जितना आप अच्छे से सोचेंगे उतना अच्छा आपका ये जो डिजाइन आलेखन तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा आलेखन बन करके तैयार हो गया। आप लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे, कोशिश करिए और अच्छा बनाने कोशिश करिए, तो क्योंकि ये मिश्रित आलेखन है, जानते हैं आप बताए थे ये तीन चार प्रकार का होता है, तो मिश्रित आलेखन में हमारा ये हो गया कि नीचे मछली बनी हुई है, नीचे वाटर है लेकिन स्पेस नहीं है, तो एक आयत बना लीजिएगा। आयत का जो आकार होगा आप बनाना 20x15 सेंटीमीटर, 20x15 सेंटीमीटर का आयत बना करके उसको आप ये आलेखन बनाएंगे। इसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, जैसे लंबा सा अगर आपका पेज है तो एक पोर्शन इतना बना लिए, फिर जस्ट बगल में इसी की एकदम टू कॉपी बनाएंगे, तो इसे कहते हैं आवृत्ति। परीक्षाओं में भी आता है कि इसकी आवृत्ति एक बार या दो बार से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसकी हम लोग आवृत्ति भी करते हैं आलेखन में। पहले बना लेंगे एक साइड में, फिर इसी चीज को दोबारा साइड में फिर बनाते हैं और कलर करते हैं, देखने में बहुत आकर्षक लगता है। यही आलेखन का जो है माने भी है कि किसी वस्तु के धरातल को जब हम सुसज्जित करने के लिए उसको आकर्षित बनाते हैं तो उसी को हम लोग आलेखन या डिजाइन कहते हैं। तो ये हमारा आज आलेखन हो गया। आप लोग अपने ड्राइंग कॉपी में बना करके व्हाट्सएप नंबर, ग्रुप के व्हाट्सएप नंबर पे, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे, तब मैं जानूंगा कि आप लोग भी कला में मेहनत कर रहे हैं, जिससे आप लोग अच्छे अंक अर्जित कर सकें। अब क्लास को यही समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास मिलेंगे। धन्यवाद।